हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बेंगलुरु समाचार। मेरे साथी नरेंद्र के साथ मैं हूं अशफाक अहमद सिद्दीकी। अगर आपको याद होगा, जब 2013 में कर्नाटका स्टेट में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो उस वक्त जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया है, तो आने के कुछ ही दिनों में उन्होंने 2 से 3 पॉपुलिस्ट प्रोग्राम का अनाउंसमेंट कर दिया था। उसमें सबसे पहले जो उन्होंने एक पॉपुलिस्ट प्रोग्राम जो अनाउंस किया था, वो था कर्नाटका के जितने गरीब हैं, जिन लोगों के पास BPL कार्ड है, उन तमाम के लिए दाल चावल इस तरह की चीज़ें फ्री में देने का उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया था। उसके बाद जो उन्होंने एक बड़ा पॉपुलिस्ट प्रोग्राम अनाउंस किया था तमिलनाडु में, जिस तरह से जो दिन वहां के जो चीफ मिनिस्टर वहां पे जयललिता थी, उन्होंने वहां पे जिस तरह से अम्मा कैंटीन का उन्होंने स्टार्ट किया था, इसी तरह के हिसाब से जितने कर्नाटका में जितने मजदूर लोग होते हैं, जो कुली का काम करते हैं, जिनके पास उतने ज्यादा पैसे होते नहीं, इन लोगों को कम से कम 5 से 10 रुपए में ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इस तरह का प्रोग्राम देने के लिए कर्नाटका में उन्होंने इंदिरा कैंटीन के नाम से एक पॉपुलिस्ट प्रोग्राम का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, जिसका इनॉग्रेशन ऑल इंडिया के जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी, वो ही आए थे कर्नाटका में, उन्होंने आके इसका इनॉग्रेशन किया हुआ था। जब ये प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हुआ था, तो BJP ने काफी सारा क्रिटिसाइज किया था सिद्धरामैया गवर्नमेंट को कि आप लोगों को फ्री में दाल चावल और फ्री में इस तरह के 5 रुपए में खाना देकर उन लोगों को आलसी बना, इस तरह के एलिगेशन कहते हैं। हालांकि 5 साल में यह प्रोग्राम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, इंटरनेशनल अक्लेम इसको मिला था और सिद्धरामैया को काफी सारी इसके बारे में तारीफ भी मिली थी। अब 2021 की अगर हम बात करें, तो अब जो नई सरकार यहां पर जो बनी है पिछले 4-5 दिन में, जिसके चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई हैं, इस सरकार में अभी क्या हो गया है, काफी सारे जो नए नए मिनिस्टर बने, इनमें अभी की अगर हम बात करें तो BJP के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं CT रवि, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने यह कह दिया कि जो कर्नाटका में जितने इंदिरा कैंटीन है, इस इंदिरा कैंटीन के नाम को चेंज कर जितने जो भी जो इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हो या कोई भी दूसरे जिन्होंने इस इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए हो या इंडिया की ग्रोथ के लिए जो कंट्रीब्यूशन जिन्होंने भी किया, उनके नाम को चेंज करने के लिए उन्होंने मांग की। इस मांग के जैसे ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इसके अगेंस्ट में कर्नाटका के KPCC प्रेसिडेंट DK शिवकुमार ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया और उस प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने इस स्टेटमेंट की, CT रवि के स्टेटमेंट की कड़ी से कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि शायद बीजेपी के पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नया कुछ नहीं है, इसीलिए जो कांग्रेस की सरकार में जो भी कंट्रीब्यूशन लोगों के लिए, गरीबों के लिए किया गया है, उसको नाम बदल कर रखना चाहती है। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखते हैं। ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ, ಈ ದೇಶದ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು BJP ಮುಖಂಡಗಳು ಏನು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಬಿಡಿ. ಇದು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ BJP ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ಯಾರು ಕೈಗೆ ಬಳೆ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಗ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಕೂಡ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋಂಥ ನಾಗರಿಕ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
बात यहां से शुरू होती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ये आया कि जो इंडिया में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हाईएस्ट जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको दिया जा रहा था, तो बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को नाम बदल कर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया, जिसकी पूरे इंडिया में कड़ी निंदा की गई। जितने इंडिया में जितने पॉलिटिकल नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो यही कह रहे थे कि शायद बीजेपी गवर्नमेंट के पास इंडिया के लोगों के देने के लिए नया कुछ भी नहीं है, इसलिए ये हर नाम बदलने की कोशिश कर रही है। अगर आपको याद हो तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार जो यूपी में है उन्होंने भी इलाहाबाद का नाम को चेंज करके प्रयागराज रख दिया था, और उसके बाद जो गुजरात में जो क्रिकेट स्टेडियम है जो बहुत पॉपुलर है जो सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम है उसको चेंज कर प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को चेंज कर जिस तरह से ध्यानचंद का अवार्ड का नाम रख दिया गया है, इसी तरह से बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने जो स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इंदिरा कैंटीन के नाम को बदल कर यहां के दूसरे जो कर्नाटका के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने कर्नाटक के लिए जिन्होंने काम किया है इनका नाम रखने के लिए उन्होंने मांग की है, इस मांग की निंदा सिद्धरमैया ने भी की है। और जितने कांग्रेस वाले हैं ये इल्जाम बीजेपी पे लगा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ एक करप्ट गवर्नमेंट है, इनके पास लोगों को देने के लिए नया कुछ भी नहीं है, इसीलिए जो कहावत है कि न्यू वाइन इन द ओल्ड बॉटल, इसी तरह से ये नाम बदलकर लोगों को हमारे ही पॉपुलर प्रोग्राम को दोबारा से पेश करने की कोशिश कर रही है। अब इसके आगे के डेवलपमेंट्स क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे।